हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं यहाँ पे दिखी हूँ, सो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड स्त्री देखकर आ रही हूँ, स्त्री टू। सो मैं इतना ही कहूँगी कि स्त्री टू इज़ माइंड ब्लोइंग, सबको जाना चाहिए। इतने टाइम के बाद बॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी आई है, इतने टाइम के बाद थिएटर हरा भरा दिखा है, शोज मॉर्निंग के इतने हाउसफुल जा रहे हैं। मैंने तो देखा है कि नाइट शोज भी काफ़ी फुल हो रहे हैं। कल भी रात को पूरा हाउसफुल था एंड पब्लिक आर इन्जॉइंग द मूवी। मतलब एंड तक सीट से उठ नहीं रहे हैं, मतलब एक के बाद एक ऐसा सस्पेंस दिए जा रहे हैं, ऐसे हिंट दिए जा रहे हैं कि पब्लिक को उठने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत सुपर मूवी है। वो बाकी एक्टर्स की बारे में बात करें, कैसी परफॉर्मेंस रही किसकी? परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो श्रद्धा कपूर को थोड़ा कम टाइम मिला है, उनको और स्क्रीन प्रेजेंस देना चाहिए था, बट वो स्टोरी कॉन्सेप्ट ही ऐसा था, स्टोरी लाइन के हिसाब से उनको लेट टाइमिंग दिया आने का। बट नेवर माइंड, जितना भी था सबका काम अच्छा था। राजकुमार राव एंड पंकज त्रिपाठी सर, यू नेल्ड इट, बहुत अच्छा काम किया। राजकुमार राव सर, मैं तो आपको सल्यूट करूँ, मतलब आपने जो भी अपना रोल निभाया है ना एंड तक, आपकी कॉमिक टाइमिंग्स बहुत लाजवाब। कैमियोज कैसे रहे फिल्म में? कैमियोज में रिवील तो नहीं करना चाहिए, बट मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ देखने मिलेगा। बट सच में मैं तो मन करे मैं दोबारा चले जाऊँ देखने, मुझे इतनी पसंद आई ये मूवी। एंड क्रेडिट देखा, एक अच्छा मेरे को सरप्राइज पैकेज मिल गया। एक्चुअली हमें पता चल गया कि नेक्स्ट क्या, लेकिन अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए ना बहुत यू नो एक्साइटमेंट है कि अब नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। जी अमर कौशिक सर को मैं बोलना चाहूँगी, सर थैंक यू सो मच कि आपने इतने टाइम के बाद हमें एक अच्छी मूवी दी है, अच्छी स्टोरी दी है। एंड मैं तो इतना ही बोलूँगी कि मतलब ये जो ऐसी मूवीज़ है ना, ऐसे आनी चाहिए ताकि पब्लिक ना इसमें इंजॉय करे, थिएटर्स में वो रौनक वापस आए। मतलब बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी मूवी, एंड स्त्री टू के लिए तो काफ़ी इंतज़ार था, बहुत टाइम से इंतज़ार था। सो अमर सर डायरेक्टर को मैं इतना ही बोलूँगी, थैंक यू सो मच, ऐसी और मूवीज़ लाते रहिए, स्त्री को वापस आप ऐसे ही लाते रहिए। सवाल पूछना है, स्त्री फिल्म आप देखी है और जी, इसमें क्या उससे बेहतर है कि ये कमजोर है? स्त्री वन का तो कोई मुकाबला नहीं है, स्त्री वन के सामने तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई नहीं टिक सकता। देखो स्त्री वन जो थी ना, वो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, मतलब कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बट ये जो है वो भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग स्टोरी लाइन है, अलग कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, जो आइडियालॉजी उन्होंने यूज़ किया है कैसे सेकेंड पार्ट बनाना है, वो माइंड ब्लोइंग था। एग्जैक्टली उन्होंने हॉरर यूनिवर्स, कॉमेडी, मतलब सब कुछ एक में ही हमको दे दिया, एक ही पैकेज में सब कुछ दे दिया है। एंड साउंड्स भी आप देखो तो हम डर भी जाए कुछ ऐसे साउंड्स पे, तो इतना हॉरिफिक बना दिया था। बट जो भी था, स्त्री एंड स्त्री टू, वन एंड टू को मैं कंपेयर नहीं करूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह पे माइंड ब्लोइंग है। 5/5 मेरी तरफ से है। थैंक यू।